जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रोस्ट्रम में। बात कर रहे हैं यहाँ पर तुला राशि की, और तुला राशि की बात कर रहे हैं तो मासिक राशिफल फरवरी 2023 की हम बात कर रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा, आने वाला फरवरी कैसा है, लाभ देके जाएगा, नुकसान करके जाएगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रॉफिट और क्या अच्छी खबर उनके लिए है। तुला राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, और आपके आने वाले समय में लाभ इसलिए भी होने वाले हैं कि ढैया आपके ऊपर से चली गई है। तो तुला राशि से ढैया समाप्त हो गई है तो ये खुशखबरी तो है ही आपके लिए, और आने वाला फरवरी आपको लाभ देता हुआ दिख रहा है। कैसे? आपके पास धन बड़ी आसानी से आने लगेगा, सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये होने लगा है। दूसरा, आपकी तरफ लोग बढ़ के आएंगे, हाथ बढ़ाते हुए आएंगे धन की दृष्टि से, और आपको नई नई अपॉर्चुनिटियां मिलने लगेंगी। जिन लोगों को काफी समय से नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही थी, ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे के रखा था, खासतौर पर गवर्नमेंट एग्जाम दे रखा था, तो उनको यहाँ पर सफलता मिलने के आसार होते हुए दिख रहे हैं। तीसरी चीज की हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आपका कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, यानी कि आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं। और हम बात करें आने वाले समय की तो आप समझिए कि यहाँ पर भूमि में निवेश आपको लाभ करेगा, या आप ऐसे मान के चलिए कि पैतृक संपत्ति या पैतृक कोई ऐसी चीज जिसका बंटवारा बड़े समय से नहीं हो पा रहा था, तो तुला राशि वालों के लिए वो लाभ भी होते हुए दिख रहे हैं। जब हम बात करें यहाँ पर तो तुला राशि वालों के लिए ये फरवरी माह बहुत कुछ लेके आने वाला है, क्योंकि शनि जब जाएंगे तो पहला ऐसा पूरा महीना आएगा जब शनि के बिना ये राशि पूरे महीने चलेगी, और यहाँ पर इनकी स्पीड में भी अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे कि जो काम आपके डिले होते जाते थे, जो काम आपके टाइम पे पूरे नहीं होते थे, किसी न किसी वजह से स्लो कॉज हो जाता था या स्टक कर जाते थे आप, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो काम बड़ी आसानी से आपके निकलते चले जा रहे हैं। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे ज्यादा आपको अपनी माता का ध्यान रखना है इस माह में। माता को कोई भी शारीरिक रोग या कष्ट हो सकता है। और दूसरी चीज, अपने बड़े भाई या अपनी छोटी बहन आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने बड़े भाई या अपनी छोटी बहन का आपको इस महीने, इस मंथ में, इस मास में आपको ध्यान रखना चाहिए। उनको भी शारीरिक कष्ट या रोग कोई भी हो सकता है। बाकी कोई चिंता की ऐसी बात इस महीने में है नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए ओवरऑल बात करें तो बेस्ट मंथ रहेगा आपका 2023 में ये, और आने वाला समय आपको लाभ ही लाभ देके जाने वाला है, यानी कि ये खुशियों का समय आया है। होली से पहले कोई एक ऐसी चीज आपको मिल सकती है जो आप बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं मिल पा रही थी। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमको, और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।